है, ई की पावर जे ओमेगा टी, ये कहां से लिखा है? ये यहां से लिखा है, यहां से, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, हमने ई की जगह पे ये वैल्यू यहां से पुट कर दी है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एप्सिलॉन इंटू ई नॉट इंटू जे ओमेगा इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, ये मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर बेसिकली थर्ड, अब इक्वेशन नंबर थर्ड कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू टेक द रेशियो, रेशियो किसका, कंडक्शन करंट का डिफरेंश इससे डिस्प्लेसमेंट करंट से, तो जेसी आपका ये था और जेडी आपको ये मिल गया, अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। जस्ट टेक द रेशियो ऑफ जेसी बाई जेडी, नाउ रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, दैट इज जेसी बाई जेडी, ये कितना मिल जाएगा आपको, मॉड वैल्यू ले रहे हैं जो कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली कितनी आ जाएगी, या अभी मॉड मत लीजिए, पहले हम नॉर्मल वैल्यू लिख देते हैं, ओके, जेसी बाई जे डी इज इक्वल टू सिग्मा ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी अपॉन एप्सिलॉन इनटू ई नॉट जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। यहां से आ जाएगा सिग्मा बाई जे ओमेगा जे एप्सिलॉन इनटू ओमेगा, क्योंकि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक है, तो और ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है। अब इसको अगर मॉड फॉर्म में लिखेंगे, अब अगर आप मॉड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन मिल जाएगा, जे आपका टर्म हट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, रेशियो निकालने को डिराइव करने को पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्म, समझ में आ गया सभी को, ये जेसी बाई जेडी इज कंडक्शन करंट डेंसिटी टू द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, दैट इज सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन, क्लियर है सभी को, हेलो, हेलो, सभी को क्लियर है बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ एंड भी होता है, ठीक है, जैसे एम्पियर्स लॉ हमने आपको बताया था, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे, ठीक है, तो इसको आप मॉडिफाइड भी निकाल, मॉडिफाइड भी एम्पियर्स लॉ होता है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर, तो मॉडिफाइड में क्या होता है, कोई बताएगा, जैसे जो हमारा एम्पियर्स लॉ है, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी बाई डेल टी, ठीक है, इसको मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को। तो आप लोग को एक काम ये करना है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है मैक्सवेल इक्वेशन का, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, हेलो, सर,
ठीक है, तो ये सब हमने आपको जितनी भी चीजें भी बताई हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? मैक्सवेल इक्वेशन से लेके इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फॉर्म, इन सब में बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। एम्पियर्स, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो है ये हम लोग अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये फिलहाल एम्पियर्स लॉ हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट में मैं बता दूंगा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड आपका ये जो है मैक्स, जो आपकी एम्पियर्स लॉ है ये हम आपको ट्यूट में बता देंगे, ठीक है? फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट यूनिट बेसिकली हम लोग की, पहले क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है? इसी पे कंडक्शन करंट डेंसिटी, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो टोटल करंट डेंसिटी होता है, टोटल करंट डेंसिटी, ठीक है, दैट इज जे, तो ये हमारा होता है, दैट इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है? और कंडक्शन करंट डेंसिटी आपको पता है सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है? जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, अभी बताया ही था मैंने। और जो टोटल करंट डेंसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, वो क्या होता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है? डेल डी बाई डेल टी होता है ना, डेल डी बाई डेल टी, तो सिग्मा इंटू ई प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक है? दिस इज योर टोटल करंट डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? दिस इज योर टोटल करंट डेंसिटी। तो जब भी कभी पूछा जाए टोटल करंट डेंसिटी, तो आपको सम कर देना है कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी आपका सिग्मा इंटू ई है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो डेल डी बाई डेल टी है, ठीक है? इसके बेसिस पे आप ये निकाल देंगे, ठीक है? क्लियर? एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, ये आप लोग को करना है, ठीक है? लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ बेटा, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 mm, लिख रहे हैं सभी लोग? हेलो बताइए बेटा, यस सर, यस लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सर, एक क्वेश्चन इसी पे लिख लीजिए, ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंडक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, बाकी ट्यूट में भी हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है? ट्यूट जो होगा उसमें भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ऑफ रेडियस 2 mm, 2 mm कैरीज या करंट IC, कैरीज ए करंट IC, ठीक है? दैट इज 2.5 sin 5 × 10⁸ T, ठीक है? क्लियर? माइक्रो एम्पियर, ये आपकी कंडक्शन करंट है, ठीक है, गिवेन है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इफ सिग्मा इज इक्वल टू 35 एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1? ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये आपको सॉल्व करना है, तो ये नोट कर लीजिए। JD आपको निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है? दैट इज JD आपको फाइंड करना है।
ये आपको निकालना है, और जेसी आपको आईसी दिया है तो जेसी निकल आएगा। जेसी कैसे निकलेगा? जेसी बाई जेडी का रेशियो भी बताया ना, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन, तो सिग्मा दिया हुआ है ठीक है, और आपका ये निकाल के देखिएगा इसको करके ठीक है। जे बराबर आई बाई ए होता है तो जे सी बराबर आई सी बाई एरिया हो जाएगा, एरिया चूंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, आर की वैल्यू आपको दी हुई है रेडियस ठीक है, तो जे सी निकल आएगा, जे सी निकल आएगा तो जे सी बाई जे डी वाले फार्मूले से जे डी निकल आएगा सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन से, तो करके देखिएगा ठीक है। हाँ कुछ हम आपको नेक्स्ट यूनिट का कंटेंट बता देते हैं। अच्छा किसी को अभी जो क्विज हुई थी इसमें कोई सरप्राइज क्विज इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? एनीबडी, सरप्राइज क्विज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? जो दो क्वेश्चन हमने दिए थे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बताइए बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी सरप्राइज क्विज में? नो सर, नहीं डिस्कस करने की जरूरत है तो बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं। एक में तो आपको एक वेक्टर गिवन था उसका ग्रेडियंट निकालना था, तो बहुत आसान है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर था, ग्रेडियंट निकालना था तो सिंपली डेल बाय डेल ग्रेडियंट इज एक्जेक्टली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ क्या वो स्केलर विथ ए वेक्टर। हेलो हेलो, आवाज आ यस रही है? सर, हाँ यस तो सर, मैं ये कह रहा था कि एक तो ग्रेडियंट निकालना था, वेक्टर गिवन था, ग्रेडियंट के लिए आपको कुछ नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया था वेक्टर, तो आपको सिंपली डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप, और जो एस की वैल्यू गिवन है बगल में एस लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रिजल्ट आपको वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, मीन्स यूनिट वेक्टर से फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है जब भी हम ग्रेडियंट किसी स्केलर का निकालते हैं तो हमको वेक्टर मिलता है ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज आपको गिवन है, ग्रेडियंट उसका निकालना है, मतलब डेल डॉट वी निकालना है, क्योंकि रिलेशन यही होता है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल वी इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के साथ ठीक है। तो ग्रेड इज इक्वल टू योर डेल, डेल डॉट बी कर दीजिए, वही डेल डॉट बी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन थे और आई थिंक सभी बच्चों ने कर भी लिया है मैक्सिमम ने, तो मैं आपसे ये बताने जा रहा था, एक मिनट जरा वेट करिएगा। कि मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखा देता हूँ एक मिनट ठीक है, जो थर्ड यूनिट है हमारी, थर्ड यूनिट करानी है हमको नेक्स्ट लेक्चर से, ये देख रहे हैं सभी को सिलेबस दिख रहा है? सिलेबस सभी को दिख रहा है बेटा? हेलो
यस सर दिखता है। ठीक है, तो देखिए जो पहली दो यूनिट हैं ये हमने कवर कर ली हैं। देखिए ये सारे टॉपिक आपके पहली दो यूनिट के कवर हो गए हैं। दूसरी यूनिट अगर आप देखेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन, मैग्नेटिक स्केलर, वेक्टर पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशन, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन योर डिस्कशन। क्लियर। सो अब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा टाइम इसी में लग गया। ठीक है, और अभी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट आपकी एंटीना की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी दो यूनिट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पढ़ा है। ठीक है, अब हम जो थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे बेसिकली पूरा एंटीना से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इंट्रोडक्शन है, देन बेसिक एंटीना पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट बिल्कुल फंडामेंटल है, जो थर्ड यूनिट है इसमें स्टार्ट जो एंटीना का करेंगे हम फंडामेंटल टर्म से करेंगे। ठीक है, जो उसमें यूज होते हैं। देन फोर्थ से हम लोग डिजाइन पे आएंगे, फिर एंटीना डिजाइन पढ़ेंगे, और लास्ट यूनिट आपकी वेव प्रोपगेशन है। क्लियर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे वेव्स प्रोपगेट करती हैं। क्लियर, ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है तो प्रोपगेशन वो कैसे होता है, प्लेन वेव, स्काई वेव, सरफेस वेव, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट से हम लोग, ये नेक्स्ट टर्म से हम लोग लेक्चर से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट। क्लियर, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं सेकेंड यूनिट के वो हम लोग ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर लेंगे, कुछ और भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गई चीजें। हेलो, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, और अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। कुछ लेक्चर भी हमारे अभी आपके आगे होंगे, जो बीच में मैं लेक्चर नहीं ले पाया था ड्यू टू ऑन लीव। ठीक है, वो लेक्चर भी आपके होंगे रिवाइज, मतलब शेड्यूल उनका मैं रिवाइज बताऊंगा रेगुलर के अलावा। ठीक है, जैसे कुछ दिन मैं बीच में लीव पे भी था तो उस ड्यूरेशन में जो हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो शेड्यूल मैं आप लोग को बता दूंगा, मोस्टली सैटरडे या इस तरह से उसमें ही टाइम पे ही ले पाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, तो खैर अटेंडेंस ले लेते हैं। सभी लोग अपनी अटेंडेंस बोल दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर 122, प्रेजेंट सर। 123, प्रेजेंट सर। 124, प्रेजेंट सर। 125, प्रेजेंट सर। 127, प्रेजेंट सर। 128, 128, 129, 130, सर। 129 प्रेजेंट। 131, 132, 131 प्रेजेंट। 133, सर। 132 प्रेजेंट। प्रेजेंट। 134, प्रेजेंट सर। 134, 135, 136, सर। 135 प्रेजेंट। सर 136 प्रेजेंट। 137, प्रेजेंट सर। 137, 138, प्रेजेंट सर। 139, 140, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 140, 141, 141, वर्षिका, शी नॉट देयर, ओके। 142, 143, 143, 144, present sir. 145, 145 present sir. 146, 9001, 9002, 9002, 9003, present sir. 9003, 9004,
अंकिता सिंह। तो देखिए एब्सेंट लोगों का बता, अर्श अहमद है नहीं है, देखिए रोल नंबर 141, 142, ठीक है 146, 9001, 9002 और 9004, ठीक ये लोग एब्सेंट है। ठीक पेपर सभी लोग का ठीक से हो गया था, क्विज का, क्विज का पेपर सभी का हो गया था? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई पेपर में? नो सर, पेपर इजी था, वैसा टफ नहीं था। अगर आपने रेगुलर पढ़ा होगा जैसे मैं क्लास ले रहा था सबसे, पेपर ठीक था, ठीक है कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी पेपर में। ये है कि अगर आपने रेगुलर पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान रहा होगा, स्पेशली जो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स थे उसमें ही दिक्कत होती है सबसे ज्यादा बच्चों को, तो वो वही बच्चे कर पाएंगे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, एक एक चीज से अवेयर है, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर से हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।